प्रकृति को हरा भरा बनाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब सभी प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोदी रोड, सोनी गोडाउन के पास, खंडवा। द्वारा कहीं ग्रुप भी उठाए हुए थे ना, तो ग्रुप वाले आते थे क्या? आते। क्या उनका कहना पड़ता था? वो बोलते थे तुम किधर से भी करके लाओ पैसे। अच्छा, परेशान, मतलब परेशान करते। आपके गांव में लोगों ने ग्रुप उठा रखे हैं जी। क्या नाम आपका? सुनील। क्या कहना पड़ता ग्रुप वालों का? ग्रुप वाले तो परेशान कर देते, बोलते फांसी लग जाओ, मतलब मर जाओ, दवा पी के मर जाओ, ये बोलते। ला के दो हमको, पैसा तो देना पड़ेगा, तुम देना पड़ेगा। तो उनको ये इस आपदा की स्थिति में जब फसल खराब हो गई है, ये दिखाई नहीं देती क्या? नहीं, उनको कहाँ से दिखाई देगी सर? उनका क्या कहना पड़ता आखिरी तक? वो तो पेमेंट होना है उनको, पेमेंट होना हमको, पैसा दो। तो बोलते है ना कि तुमको कहीं हमने फसल पे थोड़ी पैसे पैसा दिया है, हमने तो तुमको पैसा दिया है, पैसा दो तो हम हमारे आपको बेच दे कि क्या करे, फांसी लग जाएगी, दवा। ये सामने वाले ने वही मजबूरी में ये कदम उठा ले तो पॉइजन पी के हम सो जाए क्या? आपका कहना ये पड़ेगा। जितेन जी, आज दुखद घटना हुई है आपके ग्राम में, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये सर हमारे जीजा लगते हैं, मैं पड़ोसी के गांव का हूँ, बड़ौदा आहिर का। अच्छा। इनकी फसल खेत मेरे पड़ोसी में है। हाँ। इनकी पूरी तरह से फसल खत्म हो गई है। कल ही शाम को मेरे घर तरफ आए थे लगभग 4 बजे, तो बोल रहे थे कि जितेन यार फसल सब जल गई है, कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है, कर्जा है 3-4 लाख रुपये और पूरी तरह से फसल भी जल गई है। तो मैंने जीजा सब हो जाएगा, उनका घर भी कच्चा था तो वो घर भी गिर गया। उन्होंने कल तहसीलदार को भी आवेदन दिया है घर का कि मेरा घर गिर चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा तंगी में है। और ऐसा ये हमारे जीजा ही नहीं, पूरे किसान हमारे इधर के परेशान हैं। गोराडिया, पंधाना, गोराडिया, बड़ौदा, घटाकेड़ी, पूरी तरह से फसल खत्म हो चुकी है। अभी तक कोई सर्वे वगैरह हुआ नहीं सरकार की? सर्वे मरवे कुछ नहीं हुआ, हमने शिकायत भी करी थी तहसीलदार को, तो कही कि कोटवारों को बोल दिया है सर्वे करेंगे, पर कोई कोटवार नहीं जाता, कोई पटवारी नहीं जाता, कोई तहसीलदार नहीं जाता। देखने में आया है कि रात में 8 बजे से गायब थे और सवेरे मिलते हैं, तो रात में पूरे गांव वालों ने इसका, वो हमारे जीजा को क्या मिर्दिंग पार्टी, उनका ज़्यादा कार्यक्रम का शौक था, तो इनने सोचा कि भाई कहीं पार्टी में चले गए होंगे, 8 बजे चले गए हो घर से। अच्छा। जब सुबह महिलाओं लेटरिंग के लिए बाहर गई ना, जब लिम पे टंगा हुआ देखा, जब इनको सूचित किया, ये तो सोए थे, हमारे पे 6 बजे फ़ोन आया, हम आए, फिर भाई रात में देखा था तो हमको फ़ोन लगाया था कि जीजा आए, तो हमने नहीं भाई कहीं मीटिंग में चले गए होंगे। अच्छा। मतलब ये जो अभी गणेश उत्सव चल रहा, हो सकता है कि इसमें कहीं गाने बजाने का? गाने बजाने का बहुत शौक था उनको। आपका नाम? जितेंद्र ग्वाले, बड़ौदा आहिर का। गोराड़िया ग्राम में एक दुखद घटना हुई है और बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं फसलों को लेकर है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे जो पंडित जी हुई, इन्होंने जो रात्रि में आत्महत्या की, फांसी लगाई, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। 3 एकड़ के काश्तकार थे, 3-4 लाख रुपए कर्ज था, 3 लड़कियां, 1 लड़का है, पारिवारिक बोझ है, साथ ही लड़कियां शादी योग्य है। इन सब को देखते हुए उन्होंने अपनी जो सूखी फसल को सरकार के सामने अब तहसीलदार, पटवारी, इन तक भी अवगत कराया कि मेरी फसल का सर्वे किया जाए और मुझे मुआवजा दिया जाए, परंतु सरकार की लापरवाही के वजह से न उनके खेत तक कोई कर्मचारी, न पटवारी पहुंचा, न कोई तहसीलदार पहुंचा, किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति उन्हें आश्वासन देने नहीं पहुंचा ताकि उनके किसी रूप में मुआवजा प्राप्त हो सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए टेंशन उन्होंने सर पर ले लिया है। परिवार से वो बार बार कुछ जिक्र करते भी थे, परंतु उन लोग परिवार वालों ने किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया, इस वजह से उन्होंने टेंशन में फांसी लगा ली। प्रकार से यही चाहता हूँ कि उस परिवार को इस दुखद घटना के समय में उन्हें कर्ज से मुक्त किया जाए, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, और हमें पता लगा है कि उन्हें ये बरसात में उनकी दीवार भी घर की गिर चुकी है, इस वजह से भी वो बहुत परेशान। देखने में आया है कि उस ओर की सारी फसलें खराब है, अभी तक सरकार की ओर से कहीं उनका सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, कारण इस क्षेत्र के, पंधाना क्षेत्र के सारे किसानों ने कहीं बार लिखित में तहसीलदार और SDFM को ज्ञापन भी दिया है कि इस क्षेत्र का सर्वे कराया जाए, मुआवजा दिया जाए, सूखा ग्रसित किया जाए, परंतु सरकार की लापरवाही के वजह से, वो साथ ही पटवारियों की हड़ताल के वजह से ये लोग
मैदानी क्षेत्र में नहीं पहुंची। इस वजह से क्षेत्र के सारे किसान और ऐसे कई किसान हैं जो बहुत टेंशन में है और यह भविष्य में हो सकता है ऐसी घटनाएं रिपीट हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से भी चाहता हूं कि अति शीघ्र पटवारियों की हड़ताल समाप्त करके क्षेत्रों में किसानों के क्षेत्रों में पहुंचाया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, इससे डबल रिपीट ना हो। आपका परिचय? वीरेंद्र सिंह सावने, कार्यवाहक ब्लॉक अध्यक्ष, पंधाना विधानसभा प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह सावने। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।